उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला। धामी ने कहा, यात्रा के दौरान संदिग्धों पर नजर रखी जा सके, इसलिए सत्यापन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने 100 दिन की कार्य योजना किस तरह से बनाई, इन तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अगर आपकी बात करें तो आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार में मिली है और आपने 100 दिन की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। 100 दिन की कार्ययोजना में क्या कुछ शामिल है? देखिए, वित्त मंत्रालय की यदि मैं बात करूँ, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के अंदर वित्तीय संसाधन सीमित हैं और आने वाले समय पे एक संभावना महसूस हो रही है कि जून 2022 में जो हमारा IGST है वो शायद समाप्त होगा, तो उसमें हमारी वित्तीय स्थिति कुछ आने वाले समय पे उस पर बहुत एक गंभीर स्थिति हो सकती है। तो मैंने कहा कि हम लोग क्यों ना अभी से उसकी सोच को लेके और वित्तीय प्रबंधन को ठीक ठाक करें, कैसे हमारा वित्तीय संसाधन बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारा पर्यटन प्रदेश माना जाता है, तीर्थाटन के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आने वाले समय को जो हमारे सामने स्थिति आ रही है उस पर भी हम लोग विचार करें। तो मैंने तमाम हमारे वित्त विभाग के अधिकारियों से, चाहे देहरादून में मैंने बैठक ली हो या कल मैंने काशीपुर में बैठक ली, तो ये विषय मैंने उनके सामने रखा है। तो वित्तीय संसाधन जुटाना और उसका ठीक से प्रबंधन करना, ये एक महसूस मुझे हुआ, मैंने उनको बताया। साथ साथ ये भी मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि हम लोग अपने आप भी ईमानदार रहें, अपेक्षा भी ईमानदारी करें, हम व्यापारियों का उत्पीड़न भी ना करें और लेकिन गलत या कर चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी करें। और कुछ बिंदु ऐसे थे कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से फ्लैट्स बन रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया, उनसे हमारी इनकम के कैसे उनसे हमें मिल सकता है, इसकी कार्य योजना वो लोग बनाएं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये लोग इस पर भी ध्यान देंगे। और एक विशेष रूप से मैंने एक बात कही है कि हमारे यहाँ जैसे पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन दृष्टि से पूरे देश भर से क्या विश्व से कहिए हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, और हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट्स हैं या इस प्रकार के जो प्रतिष्ठान हैं वो सर्विस चार्ज लेते हैं। आप अपनी कमाई भी कर रहे हैं और सर्विस चार्ज भी ले रहे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है और उस पर पर्यटक देता है उसको पता भी नहीं है, पर्यटक आया उसने दे दिया, यानी कि वो दो तरह से उसका नुकसान हुआ। तो मैंने कहा यदि उसमें सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, पर्यटक को नुकसान हो रहा है, तो उस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं, इस पर भी हम विशेष रूप से ध्यान करें और आने वाले पर्यटक को इससे राहत हम लोग दें, ताकि पर्यटकों को भी महसूस हो कि हमारे यहाँ इस प्रकार के जो हमारे कुछ लोग कर रहे हैं तो उस पर रोकथाम लगे। एक आखिरी सवाल सर, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसात्मक घटना होती है, दंगा होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो खरगोन में रामनवमी के दौरान जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वहां पर हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। राजस्थान के करौली में कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में चुप्पी साधे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस तरीके की हरकत कर क्यों रहा है कि हिंसा तो हिंसा होता है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी जाति नहीं है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, विपक्ष का मकसद वास्तविकता जो है उसकी तस्वीर पेश करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। अब आपने कहा राजस्थान में घटना हो रही है, महाराष्ट्र में घटना हो रही है, वो हमारे चाहे कांग्रेस शासित हो या कांग्रेस के सहयोग से बन रही सरकार के उनके नाक के नीचे काम हो रहा हो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ आप भाजपा शासित प्रदेशों पे उंगली उठा रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से देखिए आप गलत कर रहे हैं, आपकी सोच में कहीं ना कहीं आपका प्रदर्शन हो रहा है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी रूप में, चाहे वो आतंकी हो,
चाहे वो आतताई हो और चाहे फिर किसी प्रकार की घटना करने वाला अपराधी हो। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति धर्म मजहब से उसको जोड़ लें और उसके आधार पर आप राजनीति करें, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको शय मिलती है यदि आप उसमें आतंकी को आतंकी कहें और अपराधी को अपराधी कहें और उस पर जाति और धर्म ना दिखें और उनका किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दें, तो मुझे लगता है कि जो देश के अंदर जो वातावरण इस प्रकार का बन रहा है, तो कहीं ऐसे लोगों के कारण भी उसमें उनको सहयोग मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है। ऐसी चीज़ों पे इन लोगों को राजनीति करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ राजनीति करनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।